हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, मैं हूं एजे और आप देख रहे हो द 12th पासर। और गाइस, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.2 का 5th क्वेश्चन, जिसके कुल मिला के 10 पार्ट हैं। तो 10 के 10 पार्ट इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। तो दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 5th क्वेश्चन, इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। मतलब आपको इक्वेशंस दी हैं, उनको उनकी जो है आपको इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, तो पहला क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 10 इनवर्स एक्स पूरे का स्क्वायर बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो सॉल्यूशन देखिए गाइज इसका। सो गाइज, पहला स्टेप तो बिल्कुल सेम है। सबसे पहले इसको भी हम जो है आई के इक्वल लेट कर लेंगे। उसके बाद गाइज क्या कीजिए, यहाँ पर हमें दिया है 10 इनवर्स एक्स पूरे का स्क्वायर बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम 10 इनवर्स एक्स को जो है टी पुट कर लेंगे। तो जब आप इसको टी पुट करेंगे तो 10 इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, और साथ में एक्स उसके नाम का डीएक्स इज इक्वल टू डी टी। नाउ गाइस देखिए, यहाँ पर हमारे पास 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स अवेलेबल है, जिसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं डी टी। सो आई की वैल्यू, आई के अंदर जो है इन सभी की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो आपका आई हो जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर। यहाँ पर टी पुट किया, टी स्क्वायर डी टी, बाकी सारी चीज की वैल्यू क्या हो गई, डी टी। ठीक है, ये हो गया इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी। अभी आप टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन बड़ी आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, 2 में 1 ऐड कर दिया 3 बाई में 3। ठीक है, तो ये हो गया 10 क्यूब टी क्यूब बाई 3 प्लस सी, और टी की वैल्यू हमारे पास है 10 इनवर्स एक्स, जो कि आप पुट कर दीजिए। तो फाइनल आंसर हमें मिलेगा 1 बाई 3 10 इनवर्स एक्स पूरे का क्यूब प्लस में 3। सो गाइस, ये है आपका आंसर। अब दोस्तों आगे चलते हैं और 5th क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं, जिसमें आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाई अंडर रूट 3 प्लस 2 कोस एक्स डीएक्स। इसका जो है हमें इंटीग्रेशन करना है। तो गाइस, पहला स्टेप तो बिल्कुल सेम है पुराने क्वेश्चंस की तरह। सबसे पहले इस क्वेश्चन को भी हम जो है आई के इक्वल लेट कर लेंगे। उसके बाद गाइस सॉल्यूशन देखिए। अब देखिए गाइस, यहाँ पर हमारे पास साइन एक्स डीएक्स है। सो साइन एक्स जो आपका होता है वो होता है कोस एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, तो अगर आप कोस एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो साइन एक्स आपको मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं ये जो है 3 प्लस 2 कोस एक्स, इसको टी पुट कर लेता हूँ। जब मैं इसको टी पुट करूंगा और इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 माइनस में। माइनस किस वजह से, क्योंकि कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। तो माइनस 2 साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ओके, अब क्या कीजिए, आप माइनस 2 को इधर ले जाइए, डी टी से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको वैल्यू मिलेगी साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 डी टी, यानी साइन एक्स डी एक्स की हमें वैल्यू मिल गई है, जो कि हम इस आई के अंदर पुट कर देंगे। और इसकी वैल्यू तो हमें टी मिल ही चुकी है, तो टी पुट कर दीजिए यहाँ पर, और ये आपका हो जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई 2 अंडर रूट टी डी टी, 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 अंडर रूट टी डी टी। ओके, अब गाइज ये माइनस 1 बाई 2 को तो हम निकाल लेंगे बाहर, फिर इंटीग्रेशन टी की पावर माइनस 1 बाई 2। ठीक है, ये अंडर रूट टी, 1 बाई में अंडर रूट टी है, अंडर रूट टी का मतलब होता है पावर 1 बाई 2 है। ठीक है, और बाई में है तो यानी कि ये ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ओके, अब आप इसका सिंपली डेरिवेटिव कर दीजिए, सॉरी इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 पावर में 1 ऐड हो जाएगा, और जो नई पावर आएगी उसी से डिवाइड हो जाएगा। तो आगे देखिए, यहाँ पर ये जो है हमने 1 बाई 2 के अंदर 1 ऐड किया, माइनस 1 बाई 2 के अंदर 1 ऐड किया, तो हमें मिला 1 बाई 2 बाई टी की पावर 1 बाई 2 बाई में 1 बाई 2, और इंटू में माइनस 1 बाई 2 था ही, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया आपका माइनस अंडर रूट टी। ठीक है, पावर 1 बाई 2 हो उसका मतलब अंडर रूट होता है, तो माइनस अंडर रूट टी प्लस सी, और अंडर रूट सॉरी टी की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस 2 कोस एक्स, जो कि हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो फाइनल आंसर हमें मिलेगा माइनस अंडर रूट 3 प्लस 2 कोस एक्स प्लस सी। सो गाइज, ये है हमारा आंसर। अब आगे चलते हैं
फिफ्थ क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं, जिसमें आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स क्यूब बाई वन प्लस एक्स की पावर सिक्स डीएक्स। इसका जो है आपको इंटीग्रेशन करना है। अभी गाइज इसका इंटीग्रेशन निकालने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर यहाँ तक वीडियो आपको अच्छा लगा है तो यार इस वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो खत्म होने के बाद शेयर कर देना, ठीक है। तो अभी मैं आता हूँ वीडियो पर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी अभी क्वेश्चन पर आते हैं, तो इसको भी आप सबसे पहले आई के इक्वल लेट कर लेंगे। आई के इक्वल लेट करने के बाद इस क्वेश्चन के अंदर देखिए आप, हम क्या करते हैं कि टेन इनवर्स एक्स की पावर एक्स क्यूब इस चीज को जो है हम पुट कर लेंगे टी। इसको पुट क्यों किया, आपको पता है कि टेन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारे पास पक्का ये वैल्यू आ जाएगी। अंदाजन मैंने ऐसा किया था और ऐसा मिलता भी है, ठीक है। इन क्वेश्चन में खास बात क्या है कि आप जैसे जैसे और क्वेश्चन निकालते जाओगे आप रकम को देखते ही बता सकते हैं कि भाई कौन सी चीज को मैं टी पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो मैंने इसको टी पुट किया। अब मैं जब इसका डेरिवेटिव निकालूंगा, इसका डेरिवेटिव निकालिए, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैं आपको यहां पर करके दिखा देता हूं, इसका हो जाएगा आपके पास वन बाई वन प्लस एक्स क्यूब का स्क्वायर, यानी कि एक्स की पावर सिक्स, एक्स क्यूब का स्क्वायर तो थ्री इंटू टू हो जाता है सिक्स, इंटू में डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा आपका थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इंटू टी का डेरिवेटिव हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, और ये डी एक्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एंड में आपको वैल्यू मिलेगी थ्री एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स की पावर सिक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब क्या कीजिए, इस थ्री को इधर ले जाइए, डिवाइड कर दीजिए, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स की पावर सिक्स डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई थ्री डी टी। देखिए अब हमें ये चीज मिल गई है, ये चीज और डी एक्स ये मिल गया है, जिसकी वैल्यू हमें वन बाई थ्री डी टी मिली है। तो क्यों ना हम इसके अंदर पुट कर दे और यहां पर पुट कर दे टी, तो आई की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, आई इज इक्वल टू अंडर रूट टी, सॉरी इंटीग्रेशन टी इंटू वन बाई थ्री डी टी। अब वन बाई थ्री को बाहर निकाल ले तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन टी डी टी। अब इंटीग्रेशन टी का इंटीग्रेशन आपको आता है टी स्क्वायर बाई टी, टी स्क्वायर बाई टू होता है, तो ये हो जाएगा वन बाई थ्री इंटू टी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू वन बाई सिक्स, ठीक है। वन बाई सिक्स कैसे, थ्री इंटू टू सिक्स होता है, वन बाई सिक्स, और टी की वैल्यू हमारे पास है टेन इनवर्स एक्स क्यूब, जो कि आप पुट कर देंगे और इसका स्क्वायर प्लस सी। सो गाइज ये है आपका आंसर। अब आगे चलते हैं और फिफ्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं, जिसमें आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंट स्क्वायर, ठीक है, बहुत आसान है। और कल मेरे पास एक कमेंट आया था यार, जिसमें किसी बंदे ने लिखा था कि मैं बार बार ठीक है क्यों बोलता हूँ। तो यार मेरे जो टीचर थे जिन्होंने मुझे मैथ सिखाया ट्वेल्थ क्लास के अंदर, उनकी ये आदत थी कि वो हर एक स्टेप सिखाने के बाद ठीक है बोलकर ये पक्का करते थे कि हमें वो स्टेप आ गया या नहीं, तो उनसे मुझे ये आदत मिली है, तो इसी वजह से मैं बोलता हूँ, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है। अभी हम क्वेश्चन पे आते हैं, तो यहाँ पर हमें दिया है इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंट स्क्वायर टू टेन इनवर्स एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अभी जो है हम इसको आई के इक्वल लेट कर लेंगे। उसके बाद गाइज अब क्या कीजिए आप, यहाँ पर क्या करेंगे हम टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स जो है उसको टी पुट कर लेंगे, तो टेन इनवर्स एक्स जो है उसका डेरिवेटिव जब आप करोगे तो आपको मिलेगा वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये आपको मालूम है। अब देखिए हमारे पास वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स मौजूद है, ठीक है, तो उसको जो है हम पुट कर सकते हैं डी टी, तो आई के अंदर मैं पुट कर दूंगा, आई हमारा हो जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेकेंट स्क्वायर टू टी, ठीक है, इसको मैंने जो है टी पुट कर लिया था टू टी डी टी। अब गाइज क्या करेंगे, अब आपको बताया है कि सेकेंट स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास टेन, सेकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन होता है, तो इसका हो जाएगा आपके पास सेकेंट स्क्वायर टू टी है, तो इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन टेन टू टी बाई टू, बाई टू क्यों आया,
ये इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है। सबसे पहले इसका जो है इंटीग्रेशन और फिर डिवाइड में डेरिवेटिव ऑफ 2t। तो 2t का डेरिवेटिव क्या होगा आपको पता है, 2 होता है, 2 हो जाएगा ना, 2 हो जाएगा तो और प्लस c। अब t की वैल्यू हमारे पास है tan इनवर्स x, जो कि हम पुट कर देंगे तो फाइनल आंसर हमें मिलेगा 1/2 tan into 2 tan इनवर्स x plus c। सो गाइज ये था आपका आंसर। अब आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट की ओर, जिसमें आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 2x साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स की पावर 4 dx। इसका भी जो है हमें इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले इसको भी मैं जो है i के इक्वल लेट कर लूँगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास है इंटीग्रेशन 2x साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स की पावर 4 dx। सो इसको जो है सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं जो है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को पुट कर लेता हूँ टी। तो आपको याद होगा साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारे पास, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स हमारे पास होता है वन बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो है फार्मूला होता है, तो इस फार्मूले से इसका आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसका डेरिवेटिव आपको मिलेगा, मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, देखिए हमें मिलेगा 1/√1 − x² का स्क्वायर यानी कि x की पावर 4 इंटू में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यानी कि 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है इंटू dx इज इक्वल टू dt। सेम यही चीज़ आई है, बस इन्होंने मल्टीप्लाई कर रखा है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या कीजिए, हमें जो है इस चीज़ की वैल्यू मिल चुकी है, इस चीज़ की वैल्यू मिल चुकी है और साथ में dx, इसकी वैल्यू dt मिल चुकी है। i के अंदर पुट कर दीजिए, आपका i हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर की वैल्यू t और इस पूरे की वैल्यू dt। तो इंटीग्रेशन t dt इज इक्वल टू t की इंटीग्रेशन हो जाएगी t² / 2 + c। अब जो t की हमारे पास वैल्यू है यानी कि साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को पुट कर दीजिए, आपके पास फाइनल आंसर आएगा 1/2 इंटू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर पूरे का स्क्वायर प्लस सी। सो गाइज ये था पांचवें क्वेश्चन का पांचवें पार्ट का आंसर। अब आगे चलते हैं और पांचवें क्वेश्चन का छठा पार्ट सॉल्व करते हैं। सो गाइज फिफ्थ क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट में आपको दिया है सिक्स्थ पार्ट में आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 10 की पावर 4 अंडर रूट एक्स सेकेंड स्क्वायर अंडर रूट एक्स बाई अंडर रूट एक्स dx। इसका जो है आपको इंटीग्रेशन निकालना है। तो सबसे पहले इसको भी हम जो है i के इक्वल लेट कर लेंगे और इस क्वेश्चन के अंदर मैं पुट करूंगा 10√x। 10√x को जो है मैं यहाँ पर पुट कर लूंगा t 10√x को t पुट कर लूंगा। तो जब मैं इसको t पुट करूंगा तो इसका डेरिवेटिव कीजिए। अब आपको पता है कि 10 का जो है डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड स्क्वायर। अभी मैंने इसी को पुट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सेकेंड स्क्वायर अंडर रूट एक्स अवेलेबल था और सेकेंड स्क्वायर अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव ये तो होता नहीं, लेकिन इसका डेरिवेटिव ये होता है, तो इसी वजह से मैंने 10√x को t पुट किया था। ओके, और ये बिल्कुल काम करेगा। तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट एक्स इंटू में डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स, जो कि होता है आपका 1/2 अंडर रूट एक्स, ठीक है, और इंटू में इज इक्वल टू टी का डेरिवेटिव यानी कि dt/dx। अब ये dx इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे यहाँ पर कर रखा है, क्या है सेकेंड स्क्वायर अंडर रूट एक्स 1/2 अंडर रूट एक्स dx इज इक्वल टू dt। इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये जो 2 है इसको उधर भेज दीजिए, dt से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर अंडर रूट एक्स बाई अंडर रूट एक्स dx इज इक्वल टू 2 dt। अब दोस्तों हमने जो है इस चीज की वैल्यू, इस पूरी चीज की वैल्यू निकाल ली है 2 dt, जो कि हम यहाँ पर पुट कर देंगे, और इसकी वैल्यू 10√x की वैल्यू हमारे पास t। तो i की वैल्यू हो जाएगी इस हिसाब से 2 इंटीग्रेशन t की पावर 4 इंटू में dt। अभी t की पावर 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर 5 बाई 5 इंटू में 2 + c। तो 2/5 और t की पावर है 10√x, पुट कर दीजिए
टेन टी की पावर 5 अंडर रूट एक्स प्लस सी। तो ये है गाइज आपका आंसर, और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। अभी आगे बढ़ते हैं और हमारे जो है फिफ्थ क्वेश्चन के सेवंथ पार्ट को सॉल्व करते हैं, जिसमें आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इनवर्स एक्स डी एक्स बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस वन। इसका जो है हमें निकालना है इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले इसको भी जो है आप आई के इक्वल लेट कर लीजिए, और उसके बाद इस क्वेश्चन के अंदर हम जो है सेकेंड इनवर्स एक्स को पुट कर लेंगे टी। ऐसा क्यों? क्योंकि सेकेंड इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन होता है गाइज हमारा 1 बाई एक्स एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस वन, इसका डेरिवेटिव होता है। और देखिए नीचे भी हमें सेम चीज दी गई है, तो इससे हमें जो है डीटी की वैल्यू बड़ी आसानी से मिल जाएगी, जिस वजह से मैंने सेकेंड इनवर्स एक्स को टी पुट किया है। तो ये पुट करने के बाद आप इसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए। तो इसका डेरिवेटिव हम यही जो मैंने अभी बताया यही हो जाएगा 1 बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अभी ये यहाँ से मैं हमने वैल्यू निकाल ली है, इसकी वैल्यू में हमें मिली है डी टी और इसकी वैल्यू है टी। तो आई हमारा हो जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टी डी टी, और टी का इंटीग्रेशन होता है टी स्क्वेयर बाय टू प्लस सी, और टी की वैल्यू यहां पर है सेकेंड इनवर्स एक्स जो कि हम पुट कर देंगे। सो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा 1 बाय 2 सेकेंड इनवर्स एक्स पूरे का स्क्वेयर प्लस सी। सो गाइज ये था इसका आंसर। अब आगे बढ़ते हैं और फिफ्थ क्वेश्चन के एट्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं, जिसमें आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टेन इनवर्स एक्स स्क्वेयर बाई 1 प्लस एक्स की पावर 4 डी एक्स। सो और गाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है, चैनल के बारे में कोई क्वेश्चन पूछना है, ट्वेल्थ क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है, एग्जाम से रिलेटेड कोई चीज पूछनी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, द ट्वेल्थ पासर सर्च कर लीजिए, मेरा इकलौता अकाउंट है, बड़ी आसानी से मिल जाएगा। बाकी अभी आते हैं वीडियो में। तो इसका सॉल्यूशन भी सेम है गाइस, सबसे पहले इसको भी हम जो है आई के इक्वल लेट कर लेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन के अंदर मैं पुट करने वाला हूं टेन इनवर्स एक्स स्क्वेयर को टी, इसको पुट कीजिए। तो मैंने इसको पुट कर दिया टी। अब पुट करने के बाद आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे, तो डेरिवेटिव क्या निकलेगा टेन इनवर्स एक्स, तो मैं कहाँ पर निकाल के दिखाऊ, यहाँ पर निकाल दूँ, यहाँ पर निकालूँ, तो देखिए इसका हो जाएगा आपका 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर यानी कि एक्स की पावर 4 इंटू में एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका 2x, और इन इज इक्वल टू टी का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका डी टी बाई डी एक्स। अभी ये डी एक्स जो है उधर जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा डी एक्स, तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, ये वाली 2x बाई 1 प्लस एक्स की पावर 4 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। और ये 2 जो है, ये जो 2 है इसको मैं अगर इधर ले जाऊं तो हमें लास्ट वैल्यू मिलेगी x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर एक्स की पावर 4 डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2 डी टी, और यहां पर हमारे पास यही चीज अवेलेबल है, ठीक है, यही चीज हमारे पास अवेलेबल है, यानी कि इस पूरी चीज की वैल्यू हमें मिली है डी टी, और इस चीज की वैल्यू हमने जो है पुट की है टी। तो ये भी आपका हो जाएगा आई इज इक्वल टू डी टी, नहीं गाइस अकेला डी टी नहीं मिली है, 1 बाई 2 डी टी मिली है, 1 बाई 2 डी टी मिली है, तो आई की वैल्यू हो जाएगी आई इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटीग्रेशन टी डी टी। अब इंटीग्रेशन टी का हमें पहली एक्सरसाइज में निकालना आ गया था क्या, टी स्क्वेयर बाई 2, ठीक है, तो 1 बाई 2 इंटू टी स्क्वेयर बाई 2, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो 1 बाई 4 टी स्क्वेयर प्लस सी। अभी टी की वैल्यू आपके पास है टेन इनवर्स एक्स स्क्वेयर, पुट कर दीजिए, पुट करने के बाद आपके पास फाइनल आंसर आएगा 1 बाई 4 टेन इनवर्स एक्स स्क्वेयर पूरे का स्क्वेयर प्लस में सी। सो गाइस ये था आंसर फिफ्थ क्वेश्चन के एट्थ पार्ट का। अभी फिफ्थ क्वेश्चन का नाइन्थ पार्ट मैं सॉल्व करने वाला हूं, तो वीडियो देखिए अच्छे से देखिए और सीखिए। सॉरी गाइस, तो गाइस इतना लंबा बोलने की वजह से हो जाता है कई बार। तो अभी हम फिफ्थ क्वेश्चन के नाइन्थ पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट टेन इनवर्स एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, ठीक है,
तो इसको भी जो हम है आई के इक्वल लेट कर लेंगे। आई के इक्वल लेट करने के बाद हम इस क्वेश्चन के अंदर क्या पुट करें, अब आप सोचिए, एक बार आप सोच कर देखिए, एक वक्त के लिए आप खुद सोच कर देखिए मैं क्या पुट करूं। देखिए मुझे यहाँ पर दो वैल्यू दी है, एक तो मुझे दिया है टेन इनवर्स एक्स और बाई में क्या दिया है वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए अगर मैं टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करूं तो क्या मुझे उसका डेरिवेटिव यहाँ पर मिल जाएगा? बिल्कुल मिल रहा है, वन प्लस वन, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर अवेलेबल है ना। तो क्यों ना मैं टेन इनवर्स एक्स को टी पुट कर दूं, तो मैंने वही किया, टी पुट कर दिया। टी पुट करने के बाद इसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए, डेरिवेटिव आपको मिलेगा वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, ये रहा यहाँ पर है ना। इसकी वैल्यू क्या मिल गई डी टी, और इसकी वैल्यू हमने पुट की है टी, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट टी डी टी। अब अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू हो उसका मतलब उसकी पावर है वन बाई टू, तो इसका आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो वन बाई टू में वन ऐड किया क्या होता है दोस्तों, थ्री बाई टू ना, तो ये हो जाएगा आपका टी की पावर थ्री बाई टू बाई में थ्री बाई टू प्लस सी। अभी थ्री बाई टू ऊपर जाएगा तो टू बाई थ्री हो जाएगा, टू बाई थ्री इंटू टी की पावर थ्री बाई टू प्लस सी, और टी की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है टेन इनवर्स एक्स, जो कि आप यहाँ पर कर दीजिए पुट, तो फाइनल आंसर आपके पास आएगा टू बाई थ्री टेन इनवर्स एक्स थ्री बाई की पावर थ्री बाई टू प्लस सी। सो गाइस ये था इसका आंसर। अभी चलते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर, जिसके साथ ये वीडियो खत्म हो जाएगा। और गाइस ये प्लीज एक बार फिर बोल रहा हूँ आखिरी बार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज, और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो गाइस लास्ट क्वेश्चन में आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स पूरे का क्यूब बाई में अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अभी देखिए गाइस पहला स्टेप तो सेम रहेगा, आई के को लेट करना है, ठीक है। उसके बाद मैं जो है इसमें पुट करूंगा साइन इनवर्स एक्स को टी, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव यहां पर मौजूद है, जो कि होता है वन बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए यहां पर मौजूद है, ठीक है। तो इसका मैं इंटीग्रेशन कर डेरिवेटिव कर लेता हूं, डेरिवेटिव हो जाएगा वन बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अभी इस चीज की वैल्यू हमने निकाल ली है, डी टी पुट कर देंगे, और इसकी वैल्यू टी है, पुट कर दीजिए, आई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन टी क्यूब डी टी। अभी टी क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, टी की पावर फोर बाई फोर प्लस सी, और टी की वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास है साइन इनवर्स एक्स, पुट कर दीजिए, आखिरी आंसर आपके पास आएगा 1 बाई फोर साइन इनवर्स एक्स पूरे की पावर 4 प्लस सी। सो गाइज ये था आंसर, और ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। अब मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो यार इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने उस दोस्त के साथ जिसको इसकी ज़रूरत है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं दोबारा मिलूंगा आपको इसी चैनल में किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू सून, बाय बाय।